हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा कढ़ी जो है वो बनकर तैयार हो गया है और ये हमने पारण के दिन बनाया था, करवा चौथ के पारण वाले दिन। तो इसे मैंने किस तरीके से बनाया था आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए कढ़ी और पकौड़ा, कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं चना दाल हमेशा फुलाकर बनाती हूँ, लेकिन आज झटपट में बनाना था और फास्टिंग के बाद वाला दिन थोड़ा थकान भी रहता है, तो मैं बेसन से ही बना रही हूँ। बेसन डायरेक्ट यहाँ पर हम फूलने के लिए दे देंगे। तो 3-4 चम्मच बड़े चम्मच हमने बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से इस तरह से अच्छे से घोट लेंगे, ताकि इसमें लम्स जो है वो बनना नहीं चाहिए। तो अभी इसको घोटने के बाद हम लोग इसे फूलने के लिए दे देंगे। देखिए कंसिस्टेंसी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अगर थोड़ा गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, थोड़ा पतला लगता है तो आप थोड़ा सा बेसन इसमें डाल सकते हैं। तो अभी इसको ढककर थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट। और नेक्स्ट अभी हम लोग इसके कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये दही हमने घर में जमाया है, बिल्कुल फ्रेश दही है, एक मतलब रात में ही हमने जमने दिया था। तो इसको झटपट है जार में, मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं। वैसे आप चाहे तो इसको मतलब मथ भी सकते हैं, लेकिन मिक्सर जार में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इसमें हमने मतलब लगभग दही डाल ही दिया है, थोड़ा सा मैं दही बचा के रखती हूँ जामुन के लिए, क्योंकि हमेशा जामुन की ज़रूरत पड़ती है। तो दही डालने के बाद इसमें 2 चम्मच हमने बेसन भी डाल दिया है और साथ में इसे पीस लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसमें क्या कर इसको एक बार हम लोग चला लेंगे। चलाने के बाद ये बिल्कुल जैसे गाढ़ा हो जाता है या पतला, उसके अकॉर्डिंग आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जिस बर्तन में बनाने वाली हूँ डायरेक्ट उसी में इसको डालने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो हांडी कुकर है इसमें काफ़ी अच्छा बनता है, आप चाहे तो मोटा पेंदे वाला पतीला भी मैं भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है सारा, और देखिए इसमें खूब सारा पानी डाल दिया है। और एक बार चेक कर लेते हैं कितना गाढ़ा है और कितना पतला है, अगर आपको गाढ़ा लगता है तो और थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी मतलब ये खोलेगा तो जैसे जैसे बेसन पकता है ये और गाढ़ा होते जाता है। अभी इसमें कुछ मसाले हम लोग ऐड करेंगे, जैसे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा कम ही रखिए खोलने के बाद, ये थोड़ा और नमक जो है इसमें ज़्यादा हो जाएगा। हल्दी डालेंगे थोड़ा सा और एक बार इसको घोल लेंगे। हल्दी अभी कलर नहीं देगा, जैसे जैसे खोलेगा वैसे वैसे इसका कलर जो है वो निखरते जाता है, इसलिए अभी ज़्यादा हल्दी हम लोगों को डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मसाला हमने जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, हल्का सा गरम मसाला, इसके अलावा हमें कोई भी मसाला इसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसमें कुछ मसाले धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे धनिया वाला पसंद नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ इसी तरह से बनाया जाता है, ये बिहारी बिल्कुल स्पेशल है। तो अभी इसको एक बार मिला लेते हैं और इस पर इसको चढ़ा देते हैं, अपने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम को मैं हाई कर दी हूँ, और इसको कंटिन्यू जो है वो हम लोग चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। अगर इसको चढ़ाकर छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा, फट जाएगा। तो हमें फटने के बाद जो है इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। देखिए जैसे जैसे ये गर्म हो रहा है इसका कलर बिल्कुल चेंज होते जा रहा है, और जैसे ही उबलना शुरू हो गया इसका कलर देखिए कितना सुंदर हो गया। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप ज़्यादा कलर हल्दी डाल देंगे तो इसका कलर जो है वो बिल्कुल ये हो जाएगा, मतलब ये हल्दी का टेस्ट जो है बिल्कुल अजीब सा लगेगा, डकैना जिसे हम लोग बोलते हैं उस टाइप से लगता है। तो ज़्यादा हल्दी हम लोगों को डालने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च से बिल्कुल कलर जो है थोड़ा सा अच्छा आता है। तो अभी देखिए कंसिस्टेंसी देखिए, थोड़ा सा ये गाढ़ा होते जा रहा है और धीरे धीरे बेसन जो है वो पक रहा है। तो अभी इसमें उबाल आ गया है तो क्या करेंगे, फ्लेम को मतलब मीडियम कर देंगे और चूल्हे का टेम्परेचर डाउन कर देंगे और इसे पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके जब तक ये पकता है तब तक हम लोग इसके पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर फ्रेश करी पत्ता है तो उसको भी मैं डाल देती हूँ। जब भी करी बनाते हैं तो उसमें करी पत्ता अगर आपके पास है तो उसको ज़रूर ऐड कीजिए। करी पत्ता हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये करी में जो है किसी भी सब्जी में और करी में एक अलग सा टेस्ट देता है। साउथ इंडियन लोग जो है करी के बिना मतलब करी पत्ता के बिना कुछ भी नहीं बनाते हैं। तो अभी इसको हमने डाल दिया, अभी इसको पकने देते हैं। अब तब तक हम लोग क्या करेंगे, पकौड़े की भी तैयारी कर लेते हैं। तो पकौड़ा का बेसन जो है हमारा फूल गया है, इसको 2-3 मिनट तक इस तरह से फेंट लेते हैं। फेंटने से क्या होता है, पकौड़ा मेरा फ्लफी बनता है, बिल्कुल फूला फूला बनेगा, हार्ड नहीं बनेगा।
तो फेंटना बिल्कुल ज़रूरी है। फेंटने के बाद इसमें कुछ मसाले हम लोग ऐड करेंगे नॉर्मल, जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गया, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा हींग, और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमने तैयार करके रखा है उसको भी हम लोग डाल देंगे। और इसके बाद हम लोग इसको एक बार अच्छे से मिला देंगे। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। जैसे ही कढ़ाई हमारा गर्म होता है उसके बाद पकौड़ा बनाना हम लोग शुरू करेंगे। डालने के बाद फिर से एक बार हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब आपको गाढ़ा पसंद है तो गाढ़ा बना सकते हैं, लेकिन हल्का सा पतला रहता है तो ये फ्लफी बनता है, फूला फूला बनता है। तेल हमारा गर्म है तो अभी हम लोग डाल के देख लिए हैं, देखिए इससे बबल निकलना शुरू हो गया है, मतलब तेल हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें सारे पकौड़े को इस तरह से एक एक करके डाल देंगे। देखिए मेरा थोड़ा सा गाढ़ा ही पतला है, और अगर चम्मच से डालना चाहे तो आप चम्मच से भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से डालने में थोड़ा सा अंदाज जो है वो अच्छे से लगता है। तो यहाँ पे हमने एक बैच डाल दिया है और इसे 2 मिनट तक एक तरफ पकने देंगे। एक तरफ अच्छे से पक जाएगा तो इसको बीच में मतलब पलट देंगे, और पलट कर इसे इस तरह से सुनहरा होने तक पका लेंगे। और इसी तरह से सारे पकौड़े को हम लोग पका लेंगे। आप चाहे तो एक बैच में ही पका सकते हैं, मैं 2 से 3 बैच में इसे तैयार की हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। इसको ऐसे ही आप चाट मसाला के साथ या फिर काला नमक छिड़क कर धनिया पत्ती डालकर खा सकते हैं। तो सारे पकौड़े हमने इसी तरह से तल लिए हैं, अभी सारे पकौड़े को हम लोग इसे कढ़ी में डाल देंगे। तो कढ़ी देखिए मेरा उबल ही रहा है, बिल्कुल गर्म है और टेम्परेचर लो कर दिया है हमने, और इसमें सारे पकौड़े को इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाकर इसको ढककर बस 2-3 मिनट तक इसको उबलने देंगे, क्योंकि ये जो पकौड़ा है उसमें जो है कर ही जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा फूलेगा। तो अभी ढककर इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं, जब तक ये पकता है तब तक हम लोग इसके मतलब फ़ौरन की तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो एक अपने यहाँ पे तड़के का पैन को गर्म किया, इसमें डाल दिया है लहसुन छीला हुआ। सबसे पहले लहसुन इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, तो मॉइस्चर सूख जाए। उसके बाद हमने सरसों का तेल डाला, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, और यहाँ पे सूखी लाल मिर्च जो है वो उससे तड़का काफ़ी अच्छा लगता है। चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा करी पत्ता आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही डाल दिया है। थोड़ा सा हींग चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। और एक बार इसको इस तरह से चला दीजिए चम्मच के पीछे वाले डंडे से या फिर चाकू से, ध्यान रहे इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेल जो है इसमें कभी कभी आग भी लग जाता है। और ये देखिए हमारा तड़का जो है हमने लगा दिया, बिल्कुल देखिए इतना टेस्टी बना था ना, मतलब बिल्कुल एकदम अच्छा लगा था। और ये देखिए इसका कलर देखिए और इसका कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो गया है, देख सकते हैं ये। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको और गाढ़ा बनाना है तो इसको आप थोड़ा सा खौला सकते हैं, पतला बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं नमक डालकर, और ये मतलब ठंडा होने के बाद देखिए और गाढ़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा कढ़ी पकौड़ा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये फास्टिंग के बाद वाले दिन जो है मैंने बनाया था, और फास्टिंग के बाद वाले दिन हमेशा तीखा चटपटा खाने का मन करता है, तो आप भी कभी फास्टिंग करते हैं तो इस तरह से कढ़ी पकौड़ा बनाकर खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। बाय बाय।